अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाक 99 न्यूज और मैं हूं नायला भट्टी। शामिल करते हैं इस वक्त तक की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं सांगर से, बेवचिक मोहम्मद शबीर खान खानी, सांगर में कातिल डोर से एक इंसानी जान बाल बाल बच गई। पाबंदी के बावजूद शहर में पतंग और कातिल डोर का कारोबार उरूज पर, पुलिस इंतजामिया खामोश है। सांगर अहदरजा नामी शहरी बताया है कि मैं अपने काम से मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक कातिल डोर की जद में आ गया। पतंग की डोर अचानक गले में अटक गई, डोर की वजह से मोटरसाइकिल में गिर पड़ा। गले पर हाथ घुमाया तो गला खुनम खुन हो गया। फौरी तौर पर सिविल हॉस्पिटल पहुँचा, तबी इमदाद हासिल की है। उन्होंने का कहना था कि सामने एक घर की छत पर तीन नौजवान पतंग उड़ा रहे थे, मुझे जख्मी हालत में देखकर मजाक उड़ा रहे थे, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि शहर भर में पतंग और कातिल डोर का कारोबार जारी है। आज मैं तो कातिल डोर से बच गया, मगर कभी ना कभी इस कातिल डोर की वजह से इंसानी जान जा सकती है। पुलिस और दीगर इंतजामिया को पतंग और कातिल डोर का कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहिए पाक 99 न्यूज़। अल्लाह के बाद।